आज की ये जो प्रोडक्ट है ना बड़ी मस्त है, ये प्रोडक्ट चुड़ैल से आपको छमिया बना देगी। सीरियसली देख लो एक बार। बाल गीले उसको सूखे क्या ओके, और बाद में इसको यूज करना, अकल तो है नहीं यार, कैसे कैसे लोग अनबॉक्सिंग करने बैठ जाते हैं, और वो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे ये लोग। मोहतरमा सुन लो एक बात, या पहले मेकअप करके बैठना या बाद में मेकअप करना, क्यों? क्योंकि पहले तो आप लोग इंट्रो देने के लिए अच्छे से मेकअप बना के ना हमारे से बात कर लेते हैं, और ऑल ऑफ सडन जब प्रोडक्ट यूज करते हो ना तो मेकअप गायब हो जाता है, हम डर जाते हैं। ओके, तो हमारे भी ऐसे दिल की धड़कनों का ध्यान रखने का, हाँ बाद में वीडियो बनाना। 5 मिनट यहाँ किसके पास है? हम इंडियंस के पास ना पेशेंस नहीं होता, हमारा तो चले ना तो ऐसे गरम गरम अगर आए ना बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने बिना ही हम लोग तो चालू कर दे, और आप 5 मिनट की बात कर रहे हो यार, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। देखो हम लोगों ने ना अगर ये प्रोडक्ट खरीदनी है तो उसके ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, और भरे पड़े वीडियो यूट्यूब पर, तो आप सिर्फ इतना बता दो कि ये ना कौन कौन औरतें यूज़ कर सकती है, जैसे कि नाउ नो बकवास, मेन थिंग पहला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, नंबर वन पर आती है। सेकेंड थिंग कि जो वर्किंग वीमेंस जिनके पास बहुत कम टाइम होता है, पार्टीशन करने का टाइम नहीं होता है, तो ये प्रोडक्ट वो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि आप ऐसे नॉर्मल भी इसको यूज़ कर लोगे तो अच्छे से आपको फिनिशिंग देगा, और अच्छे से करोगे तब आपको एकदम ग्लैमर और क्लासी लुक देगा, ये थर्ड थिंग था। फोर्थ थिंग कि ये लड़कियाँ दोनों के लिए अच्छा, जितने जो लोग आजकल लंबे बाल रखते हैं वो लोग, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। पर जितना टाइम हमारे दूसरे गैजेट और दूसरे सारे हेयर टूल्स में जाता है उतना इसमें नहीं जाता है, इट्स वर्थ इट, सो प्लीज ट्राई। और लास्ट में इतना छोटा वीडियो बनाने का कि यार हम लोग ना बोर ना हो, सारा डिस्क्रिप्शन वैसे कि हम लोग भी पढ़ेंगे। ओके, तो आप ना वो चीज़ बता दो आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपके बाल जले कि नहीं, आप लोग ने कितना पेशेंस किया, लड़कियों या लड़कियाँ, मतलब एक हम लोग ना इंडियन होते हैं तो हम लोग इंडियन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट खरीदेंगे और सारे घर में यूज़ करेंगे, जैसे एक अंग सारे बाल कम कर लेते हैं ना, हम इतने सेटिस्फाइड हैं, तो अब ये बताया कि ये वाला खर्चा किया हुआ है तो इंसान सारे इंसान यूज़ कर सकते हैं ना। हाँ बस हम लोगों को इतना ही जानने का था कि 3,000 ना बेरफाना जाना चाहिए। नाउ माई बडीज इज दिस टाइम लुक, ये वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। सेकेंड थिंग, जिनके बालों में बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है उनके लिए तो ये ग्रेट है कि बाल धोने के बाद सुखोने के बाद तुरंत ये चीज़ कर लिया, तो स्ट्रेटनिंग का जो हमें ऐसे लास्ट में रिग्रेट रहता है कि वो पसीना हो गया, स्ट्रेटनिंग अच्छे से नहीं हुआ या चला गया, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। थर्ड थिंग कि जो बडीज़ को ऐसे रहता है कि मेरे बाल वॉल्मराइज है और अच्छे दिखे, शाइनिंग दिखे, तो पूरा मेकअप और रेडी होने के बाद लास्ट की 5 मिनट्स आप अपने बालों को दे सकते हो, और ये बहुत ही वर्थी डे, आई लव दिस वन। एंड आज तक अच्छी इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा कि मेरी से 5 मिनट बहुत ही वो अच्छी लग रही है, छमिया बन गई चुड़ैल में से, समझ में आ ब्यूटीफुल, सीरियसली प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस, नॉट यू, प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस, इट्स रियली गुड।